हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू टॉपिक लैबुनम टॉप, अमलतास के वृक्ष की एक चोटी। एडवर्ड जेम्स हक्स का ये टॉपिक्स है, टेट्स हक्स, और इसमें अमलतास के वृक्ष पर एक गोल्डफिंच नाम की चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहती है। जब वो चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है तो पूरा जो पेड़ है लैबुनम का वो उमंग उत्साह पंखों के फड़फड़ाहट और चहचहाट से भर जाता है, और जैसे ही वो उस पेड़ को छोड़कर जाती है वैसे ही वह पेड़ शांत हो जाता है। इस लैबुनम पेड़ के रोमांच से भरना और शांत हो जाना इस पोयम में बताया गया है। देखिए, लुक एट द फर्स्ट स्टंजा, द लैबुनम टॉप, टॉप मीन्स पीक, चोटी, इज साइलेंट, शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत है, यानी कि जो गोल्डफिश बर्ड्स है वो अभी पेड़ पर आई नहीं है। तो जो पीक ऑफ द ट्री इज क्वाइट साइलेंट, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, येलो, पीले पंखों वाली चिड़िया, सेप्टेम्बर सनलाइट, सितंबर के महीने में, इन सितंबर, इट इज द मंथ ऑफ एटुमन, व्हेन द ट्रीज लीव्स देयर, द ट्रीज लीव्स देयर लीव्स, जब पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ते हैं, एंड सीड्स फॉल फ्रॉम इट्स ब्रांचेज, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, पेड़ों की कुछ पत्तियां, लीव्स पत्तियां येलोइंग पीली पड़ चुकी हैं, All its seeds fallen, इसके सभी जो बीज है, seeds means बीज, fallen गिर चुके हैं, यानी कि पतझड़ का महीना है, जो समर के बाद और विंटर से पहले स्टार्ट होता है, पेड़ अपनी पत्तियां गिरा चुके हैं, जो seeds हैं बीज ये गिर चुके हैं, इसमें जो वृक्ष है विदाउट बर्ड बिल्कुल साइलेंट है। स्टंजा नंबर टू, टिल द गोल्ड फ्लिंच, सोन चिड़ैया, गोल्ड फ्लिंच में सोन चिड़ैया कम्स, जब तक कि सोने की चिड़िया सोन चिड़ैया आती है, बिकॉज हर फीदर्स इज येलो विद ए ट्विचिंग चिरिप, यानी कि चहचहाने की आवाज के साथ, ए सडननेस, यकायक अचानक, स्टारलेंट चौंकने के साथ, एट ए ब्रांच एंड, और जैसे ही पक्षियों के उनके बच्चों के चौंकने की आवाज, फड़पंखों के फड़फड़ाने की आवाज, चहचहाट की आवाज आती है, चिड़िया एक ब्रांच एंड एक शाखा के अंत पर बैठ जाती है। देन स्लीक, स्लीक मींस सरकना, एज ए लिजार्ड, एक छिपकली की भांति धीरे से सरकती है ब्रांच से अपने घोंसले की ओर, एंड अलर्ट, सतर्क करती है, एंड अवॉर्ड, और प्रवेश कर जाती है, सी एंटर्स द थिकनेस, वह वृक्ष के भीतरी शाखाओं तक प्रवेश करती है, एंड ए मशीन स्टार्ट्स, जैसे कोई यंत्र मशीने चल पड़ी हो, अर्थात पेड़ शोरगुल से युक्त हो जाता है, ऑफ चैटरिंग, शहर चाहने की आवाज से, ट्रेमर ऑफ द विंग्स, ट्रेमर्स ऑफ द विंग्स मीन्स पंखों के फड़फड़ाने से, एंड ट्रिलिंग, और रोमांस से, उत्सुकता से, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो पेड़ है ट्रेम्बल्स, पत्तियां हिलने लगती है, पेड़ में कंपन होने लगती है, थ्रिल्स, और उसमें उत्साह या रोमांच आ जाता है। क्यों आ जाता है? इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, क्योंकि जो चिड़िया है अपने परिवार का इंजन मीन्स चालक है। द बर्ड्स फीड्स हर किड्स, अपने बच्चों को खिलाती है। स्टूडेंट, देन सी स्टॉक्स इट्स फुल, तब वे अपने बच्चों को चुग्गा देती है, उनको खिलाती है। Then flit out a branch end, और उसके बाद एक शाखा के अंत पर जाकर बैठ जाती है। Sowing her barred face, पत्तियों से, barred face माने पत्तियों से आच्छादित अपने चेहरे को, identity, पहचान कराती है, mask, अपने मखोटे की, mask means मखोटा, यानी के जैसे ही वो पत्तियों में आच्छादित चेहरे से देखती है, तब वे अपने बच्चों को अपनी पहचान कराती है। और थर्ड स्टंजा में देखिए, जो सोन चिड़ैया है, देन विद एरी डेलिकेट,
एरी मीन्स स्ट्रेंज, डेलिकेट विसिल चिरपिंग, सीटी जैसी आवाज, विसिल कहते हैं सीटी को, चिरप माने सीटी जैसी आवाज, विस्पर्ड धीमे से, विस्पर्ड माने धीमे की चहचहाट, सी ब्रांचेज अवे, तब वह शाखाओं को लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज माने छोड़ जाती है, लॉन्चेज अवे वह वृक्षों की शाखाओं को छोड़ जाती है, अर्थात सी फ्लाई अवे वह उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स अनंत आकाश की ओर, सी लॉन्चेज अवे वह उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट नीले गगन की ओर, एंड लेबुरनम और अमलतास का पेड़ वृक्ष सब्सटाइज टू एम्पटी पुनः वीरान हो जाता है, विदाउट साउंड के हो जाता है, बिकॉज क्योंकि देयर इज किड टू साइलेंट टू रेस्ट एंड देयर इज नो वन एट द ट्री, द बर्ड्स इज फ्लाई अवे एंड किड्स इज आर रेस्टिंग, देयर इज नो चिरपिंग एट द पीक ऑफ द ट्री। स्टूडेंट आई होप यू विल बी अंडरस्टूड बाय दिस एक्सप्लेनेशन, लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल, थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।